छत्तीसगढ़ जिला बालोद के अंतर्गत ग्राम भरदा कला गांव में 2015 में 335 मजदूरों ने रोड बनाने का काम किए थे, जिसकी मजदूरी 6,29,640 रुपए की मजदूरी अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण मजदूरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2005 में नरेगा कानून जो बनाया गया, जिसके अंतर्गत हर मजदूर को 15 दिन के अंदर मजदूरी भुगतान करने का नियम है, लेकिन मजदूरों को 15 दिन के अंदर मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता है, काफ़ी लेट हो जाता है, जिससे मजदूर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। खर्चा पानी पर बहुत तकलीफ होते हैं, बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, तो कहाँ से हम पैसा बाल बच्चे पर एक पूर्ति कर सकूँ। मैंने घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पैसा नहीं है, ये कारण से मजदूरी करते हैं तो पैसा भी नहीं मिल पाते। एक दिन की कितना मजदूरी मिलता है? 157 रुपया। तो आपको दो हफ्ता का कितना पैसा मिलना चाहिए? 1908 रुपया। मैं मनरेगा के अंतर्गत मेट का कार्य करता हूँ। मेट का जो काम होता है, मस्टोल को कंप्लीट करके ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव से दस्तखत करवा के, निगरानी समिति से दस्तखत करवा के रोजगार सहायक को सौंपना। अब रोजगार सहायक का काम है उसको जनपद तक पहुंचाना। जनपद का काम होता है कि मजदूरी का भुगतान समय पर किया जाए। अगर मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है, उसका कारण है जनपद पंचायत। अब बिल्कुल 15 महीना दिन में हर आदमी के परमिट मिलना चाहिए। अब ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव बताएंगे कि क्या होता है, क्या क्या नहीं हुआ है। उन लोग इसके बारे में प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कि जनपद में उनकी बात रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं मजदूरी। हम लोग बोलते हैं सचिव से पैसा क्यों नहीं मिल रही है, तो बोलते हैं अभी तो मेट लोग का पैसा नहीं आए हैं, तो आप लोग कभी आएंगे, आज नहीं मिलेंगे तो कल मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे, आप लोग का पैसा कहीं नहीं जाएंगे। गांव के लोग आज मिलेगा कल मिलेगा करके अभी तक चुप बैठे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाई हूँ। ब्लॉक सीओ का नंबर है 9406204556। इस नंबर में कॉल करके दबाव बनाएं। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।